यूपी के संबल जिले के नखासा थाना पुलिस ने एसपी चक्रेश मिश्रा के निर्देश पर विधानसभा चुनाव को लेकर नकली शराब पर कार्यवाही करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस ने मौके से 550 लीटर नकली शराब बरामद कर मौके से शराब बनाने के उपकरण बरामद किए हैं। पुलिस अधीक्षक जनपद संबल के चक्रेश मिश्रा ने बताया कि विधानसभा चुनाव को देखते हुए अवैध शस्त्र फैक्ट्री और नकली शराब के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत 550 लीटर नकली शराब के साथ दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनसे नकली शराब बनाने के उपकरण बरामद हुए हैं। इसी के साथ मौके पर भारी मात्रा में लहन मिला है, इसको नष्ट किया गया है। थाना नखासा के अंतर्गत ग्राम तातारपुर संदल से आज पुलिस के द्वारा एक बड़ी कार्रवाई करते हुए लगभग 550 लीटर अवैध शराब, उसको बनाने के उपकरण व यंत्र, साथ में भारी मात्रा में लहन मिला है, इसको नष्ट किया जा रहा है। इसके साथ में दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। संबल पुलिस के द्वारा लगातार अवैध शराब व अवैध शस्त्र के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। आने वाले चुनावों के मद्देनजर इस तरह की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। धन्यवाद।